साहब बोल रहे थे, चेयरमैन साहब PWSC के, कल दिन में आए तो अच्छा रहता है आप मस्जिद पे। हाँ जी, 1500 साल हो गए मस्जिद की तामीर होकर, सिवाय यहाँ पर पेंट के अलावा कुछ भी काम नहीं हुआ 500 साल से। और ऊपर के जो मीनारे गुंबद जो पूरा जो है इसका पूरा डैमेज हो गया है, तो हमारी जो आप ऐसा जगह खासकर रिक्वेस्ट है कि जो है आप आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं उसे बोल करके जो मीनारों की और गुंबद की जो है थोड़ा तालीम काम के लिए यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट के जो है अब ये लॉकडाउन के टाइम से जो है नहीं, इस मस्जिद में कुछ भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले जो है कुछ भी साफ सफाई का ये कुछ भी ख्याल नहीं रखे लॉकडाउन, ये लॉकडाउन की वजह से। और इसमें क्या है, गुंबद में भी क्या है, काफ़ी अंदर आप आके आइए अंदर काफ़ी क्रैक्स गुंबद में भी आए हैं, और एक गोल्डन की जो है इसमें मेहराब है उसको सोने का पानी चढ़ाया गया है। हाँ वही छोड़ा, ये वहाँ गुलबरगा में भी है क्या, गुलबरगा के अंदर भी है एक मस्जिद, वो सेम स्पेन में जो मस्जिद है, वही इंडिया में सेकंड सेम स्ट्रक्चर के ऊपर वो है। इसका कैसा 1,16,000 स्क्वायर फीट का छत है। दिल्ली की जामिया मस्जिद से भी बड़ी है ये, दिल्ली की जामिया मस्जिद का जो है सिर्फ ग्राउंड बड़ा है, इसका जो है 1,16,000 स्क्वायर फीट का पूरा टोटली छत है। तो सर ये क्या है, ये उखड़ रहा पूरा, ये जो पुराना जो गच जो है ना ये पूरा तकरीबन 500 साल जब मस्जिद की तामीर हुआ पूरा एक गच की हालत ऐसे हो जी। ये कैसा है, वक्फ बोर्ड के अंदर जमा नहीं, अगर वक्फ बोर्ड के अंदर ये मस्जिद जमा होती बोले तो पैसा ये वहाँ पर, ये वक्फ नहीं है, ये क्लास वन प्रॉपर्टी है। थोड़ा साइड में, थोड़ा साइड में सर, इसका क्रैक है। हाँ जी, हाँ जी, अगर ये पर क्या कर रहे थे, 1969 तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी से बैठ कर की मस्जिद में जो है रोजीना जो पहले आता था तो रोजीना आया करता था, जो 89 के बाद रोजीना बंद हो गया, तो रोजीना भी बंद हुआ उसके बाद से जो है यहाँ की जितनी भी इमामत कमेटी की लोग जो उनकी डेवलपमेंट यहाँ पर रहा है, और फिर जो आर्कोलॉजिकल सर्वे की तरफ से फिर पेंट के अलावा कुछ भी नहीं होगा। नहीं और क्या होना है पेंट के अलावा, नहीं पेंट के अलावा आप देखिए जैसे कि गुंबद की किराए की थी आप आपके जो आप खानदानी हैं अब शादी मैं जामिया हॉल के तरफ से जो पैसे आ रहे हैं क्या कर रहे हैं सर, अभी वो जामिया हॉल के जो पैसे हैं इसमें से मस्जिद का लाइट बिल है, मस्जिद का थोड़ा पानी का खतरा है, और हॉल का जो मैनेजमेंट का खर्चा है, और फिर इसके अलावा भी जो भी मोहल्ले के थोड़े बहुत गरीब लोगों को लेन देन की इमामत की तरफ से तो इसमें जो है खर्चा हो रहा है। नहीं इसमें ये नहीं, ये अलग ही अल्पा में क्लास वन फोटो मारो सर, आप डिटेल मुझे दीजिए मैं उसे दिल्ली में बात करूँगा, बट तुम्हें मुझे याद दिला कर सर।
تاریخی جامعہ مسجد میں ڈاکٹر سید ناصر حسین صاحب راجیہ سبھا کے ایم پی تشریف لائے ہیں. میں ان کا دل کی گہرائیوں کے حیثیت سے جو ہے بحیثیت شاہی متولی و فقیر جامعہ مسجد کے ہونے کے ان کا استقبال کرتا ہوں اور جو ہے دل خوشی سے اجازت چاہتا ہوں. ساتھ ساتھ ہمارے بیجاپور ڈسٹرکٹ وقف بورڈ کے چیئرمین الحاج عثمان پٹیل صاحب بھی اس موقع پر تشریف لائے ہیں. میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں. ان کی بھی خوشی ان کے ساتھ ساتھ شہر بیجاپور کے نامور شخصیت جناب شبیر احمد ڈھالایت کانگریس پارٹی کے لیڈر صاحب اس موقع پر تشریف لائے. میں ان کا بھی استقبال کرتی ہوں. ان کی خوشی